नमस्कार मैं डॉक्टर विपिन बंसल वास्तु कंसल्टेंट हमेशा की तरह आज फिर आप लोगों के लिए एक और नए विषय पर चर्चा करना चाहूँगा मेरे पास एक इंक्वायरी आई है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं उन्होंने मेरी वीडियो देखी मेरी वीडियो बहुत पसंद आई और बोले बंसल जी हम एक नया रेस्टोरेंट बनाने जा रहे हैं उसमें काफ़ी काम तो हमारा हो चुका है और काफ़ी काम हमारा पेंडिंग है हमें अपने यहाँ सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए इसके बारे में आप हमें बताएं देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए आपका जो रेस्टोरेंट है वो ईस्ट फेसिंग, यानी पूर्व के यानी जिस बिल्डिंग के अंदर आपने रेस्टोरेंट ओपन करना है वो ईस्ट फेसिंग है और आपके यहाँ जो स्टेयर्स है जब स्टेयर से आप ऊपर आते हैं तो आपकी जो एंट्रेंस बनती है वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की बनती है यानी आपकी स्टेयर्स नॉर्थ जोन में बनी हुई है ये आपके अपनी स्टेज से जब स्टेज से घूम के ऊपर आते हैं तो आपकी जो अपनी एंट्रेंस बनती है वो नॉर्थ यानी उत्तर दिशा की एंट्रेंस बनती है फर्स्ट फ्लोर पर जो रेस्टोरेंट बना रहे हैं उसके अंदर जो दीवारें खड़ी हुई है जो पार्टीशन खड़े हुए हैं वो वेस्ट में और साउथ में पार्टीशन खड़े हो चुके हैं यानी जो आपकी ये दीवार है वेस्ट वाली और साउथ वाली ये पार्टीशन आपके तैयार हो चुके हैं और बैक साइड में वेस्ट साइड में साउथ वेस्ट से लेके वेस्ट होते हुए वे, नॉर्थ वेस्ट तक कंप्लीट ओपन एरिया है क्योंकि जहाँ पर रेस्टोरेंट होता है और जहाँ किचन बनाई जाती है तो वहाँ पर वेंटिलेशन की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है और इस बिल्डिंग के अंदर वेस्ट के भाग में कम्प्लीट वेंटिलेशन है तो ऐसे में सबसे पहले तो सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले आपको किचन का सेटअप किस प्रकार से करना चाहिए क्योंकि किचन के अंदर आपको एक तो स्टोर चाहिए एक किचन चाहिए एक एरिया आपको वॉशिंग के लिए चाहिए यानी रेस्टोरेंट में जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं उन बर्तन की वॉशिंग के लिए भी एक एरिया बनाया जाता है सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर कुकिंग एरिया कहाँ बनाना है क्योंकि आपके यहाँ एक तो तंदूर लगेगा और साथ में आपके यहाँ भट्टियाँ लगेंगी वो आपने कहाँ लगानी है तंदूर जो आपने लगाना है तंदूर आपने अपनी किचन के अंदर साउथ जोन में यहाँ पर आपने अपना तंदूर लगाना है और तंदूर से थोड़ा सा एरिया जितना आपको स्पेस चाहिए उतना एरिया छोड़कर यहाँ से लेकर जहाँ तक आपकी ये दीवार आती है पार्टीशन आता है यहाँ तक आप अपनी भट्टी लगाएं एक लगानी है एक दो तीन चार पाँच जितनी भट्ठी आपने लगानी है उतनी भट्ठी आप लगा सकते हैं यहाँ पर आपकी अपनी भट्टी लग जाएगी और भट्ठी के ऊपर ही आपकी अपनी चिमनी लग जाएगी और ऐसे ही जो आपकी किचन की नॉर्थ वॉल बनती है यहाँ पर आपका अपना एक कंप्लीट काउंटर बन जाएगा जिसके अंदर आपकी अपनी वेजिटेबल्स या खाने पीने की जो भी आइटम आपके यहाँ बनती है उसका सारा सामान आप यहाँ पर रख सकते हैं आपने अपने यहाँ पर जो स्टोर बनाना है वो स्टोर आपने साउथ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपने अपना किचन का स्टोर बनाना है स्टोर की जो एंट्रेंस करनी है वो एंट्रेंस आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के भाग में यहाँ से करनी है और जो रैक लगाने वो रैक आपने साउथ वॉल पर और वेस्ट वॉल पर लगानी है फर्श के ऊपर आप अपना सामान रखना चाहते हैं तो वो सामान भी आप फर्श के ऊपर भी रख सकते हैं आपके यहाँ खाने पीने की आइटम है तो उसके लिए डीप फ्रीज की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है स्टोर के अंदर डीप फ्रीज रखना है तो आप यहाँ पर ईस्ट वॉल के साथ एक डी फ्रिज रखना है तो एक दो रखना है तो दो और तीन रखने है तो तीन डी फ्रिज रख सकते हैं जितना स्पेस आपके पास है उस स्पेस के हिसाब से आप अपने यहाँ पर डी फ्रिज रख सकते हैं ऐसे ही आपने बाहर के भाग में यानी किचन वाले एरिए में भी डी फ्रिज रखना है तो वो डी फ्रिज स्टोर के साथ में यहाँ पर आ जाएंगे एक दो तीन चार डी फ्रिज रखने हैं डी फ्रिज और साथ में नॉर्मल फ्रिज रखना है तो नॉर्मल फ्रिज भी आपके इसी जोन में आ जाएंगे आपने अपने यहाँ पर जो वॉशिंग एरिया बनाना है वो वॉशिंग एरिया आपने नॉर्थ वॉल के साथ आपने अपने यहाँ पर जो सिंक लगाना है सिंक आप ईस्ट वॉल के साथ यहाँ पर भी लगा सकते हैं और सिंक आप नॉर्थ वॉल पर यहाँ पर भी लगा सकते हैं और आपने नॉर्मल टैप लगाने हैं टूटी लगानी है तो वो टूटी आप यहाँ पर लगा सकते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखना है जब यहाँ पर वॉशिंग एरिया बनाएंगे तो जो आपका फर्श का लेवल है उस फर्श के लेवल से वॉशिंग एरिया का फर्श का लेवल ऊंचा किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए यदि किसी कारण से आपके यहाँ का फर्श का लेवल ऊंचा हो जाता है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही टेंशन बनी रहेगी बेवजह के झगड़े बने रहेंगे और जो वर्किंग आपके यहाँ आनी चाहिए वो वर्किंग आपके यहाँ प्रॉपर नहीं आएगी क्योंकि आपके रेस्टोरेंट का नॉर्थ वेस्ट का भाग फर्श के लेवल में ऊंचा हो जाएगा इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है यदि आपका रेस्टोरेंट पहले से बना हुआ है और आपका वॉशिंग एरिया नॉर्थ वेस्ट के भाग में वाई वै कोने में बना हुआ है और फर्श का लेवल ऊंचा है तो आपके यहाँ बेवजह के झगड़े बने रहते हैं चाहे वो झगड़े आपके अपने स्टाफ के साथ हो या वो झगड़े आपके अपने कस्टमर के साथ हो बेवजह की चिकचिक हमेशा बनी रहती है आपके यहाँ इस तरह की समस्या है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट के भाग में वॉशिंग एरिया का फर्श का लेवल अपने रेस्टोरेंट के फर्श के लेवल के बराबर रखें ऐसा करने से आपको रिज़ल्ट बेहतर जरूर मिलेंगे जो समस्याएँ आपके यहाँ चल रही है वो समस्याएँ एक एक करके दूर होती चली जाएगी इसी के साथ मैं आपको एक बात और कहना चाहूँगा वॉशिंग एरिया तो आपका नॉर्थ वेस्ट के भाग में बन गया है जो बर्तन यहाँ धुलेंगे जो वॉश होंगे वो बर्तन आपने कहाँ रखने हैं वो बर्तन आपने वेस्ट वॉल के साथ यहाँ पर जितना एरिया आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं और आप यहाँ पर एक्स्ट्रा स्टोर बनाना चाहते हैं तो इस एरिया में आप अपने सामान का एक्स्ट्रा स्टोर बनाएं और उसके बाद आप अपने यहाँ पर क्रॉकरी की अलमीरा बनाए इसी के साथ अब मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगा जो आपका अपना किचन का एरिया है और जो वॉशिंग एयर स्टोर का एरिया है इस एरिए को आप अपने रेस्टोरेंट के फर्श के लेवल से लगभग एक इंच डेढ़ इंच दो इंच जितना ऊंचा करेंगे आपके यहाँ हमेशा ही वर्किंग अच्छी बनी रहेगी कभी भी आपका रेस्टोरेंट नुकसान में नहीं जाएगा क्या काम करने से अकेला फर्श ऊंचा करने से आपका किचन एरिया का भी फ़र्श ऊंचा हो जाएगा और साथ में जो वॉशिंग एरिया है ये कंप्लीट एरिया आपका रेस्टोरेंट के फर्श के लेवल से ऊंचा होने से किचन से रेस्टोरेंट में आने के लिए आपने रास्ता कहाँ से बनाना है वो रास्ता आपने किचन के सेंटर से यहाँ से आपने रेस्टोरेंट में आने के लिए रास्ता बनाना है और एक रास्ता आपने यहाँ से इस हिस्से से आने के लिए बनाना है और आपने एक सर्विस टेबल यानी एक क्रॉकरी की जो अलमेरा है वो आपने यहाँ पर भी लगानी है जो स्टाफ आपका यहाँ पर खड़ा होगा वो पूरे रेस्टोरेंट में जितने भी व्यक्ति यहाँ पर खाने खाने के लिए आते हैं उनके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा यहाँ पर एक व्यक्ति बैठे या दो बैठे कोई दिक्कत नहीं है इसी के साथ में यहाँ पर आपने एक फ्रिज लगाना है तो फ्रिज आप यहाँ पर साउथ वोल पर लगा सकते हैं एक लगाना है एक लगाएं लगा दो लगाने दो लगाएं और तीन लगाने हैं तीन फ्रिज लगा सकते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के भाग में यहाँ पर आपके अपने एक टॉयलेट है और टॉयलेट का डोर यहाँ पर है इसमें आपने ध्यान रखना है जो टॉयलेट शीट लगानी है टॉयलेट शीट आप साउथ वॉल पर नॉर्थ की ओर फेस करते हुए या साउथ वॉल पर या नॉर्थ वॉल पर साउथ की ओर फेस करते हुए शीट लगानी है लेकिन ध्यान रखना है वॉश बेसिन आपने नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ वॉल पर या स्टॉल पर ही लगाना है इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है और जो टॉयलेट बनेगी टॉयलेट का फर्श का लेवल और रेस्टोरेंट का फर्श का लेवल भी इक्वल होगा इस बात का भी आपने खास तौर पर ध्यान रखना है आपने अपने यहाँ पर जो कैश काउंटर बनाना है वो कैश काउंटर आपने साउथ साउथ ईस्ट के बाद में यहाँ पर आपने अपना कैश काउंटर बनाना है और बैक साइड में जो भी आइटम आप स्पेशल बनाते हैं उसकी डिस्प्ले भी कर सकते हैं जब आप यहाँ पर काउंटर बनाएंगे तो काउंटर आपने एल शेप में बनाना है और कैश ट्रॉड आपने कहाँ बनानी है कैश ट्रॉर आपने यहाँ पर वेस्ट वॉल पर बनानी है जो कि आपकी ईस्ट की ओर ओपन होगी यहाँ पर आपका अपना कस्टमर आकर खड़ा हो जाएगा जिसने जो बिलिंग करनी है वो बिलिंग यहाँ पर हो जाएगी यहाँ पर आपका स्टाफ का एक मेंबर बैठे या दो बैठे उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर एक व्यक्ति बैठना चाहता है तो एक बैठे और दो व्यक्ति बैठना चाहते हैं तो दो व्यक्ति भी बैठ सकते हैं आप यहाँ पर आइसक्रीम वगैरह के लिए डी फ्रिज लगाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर साउथ ईस्ट के भाग में डी फ्रिज भी लगा सकते हैं एक डी फ्रिज लगाना है एक लगाएं लगा दो लगाने दो लगाएँ और लगाने तीन लगाने तीन लगाएँ अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने अपने यहाँ पर सीटिंग किस प्रकार से करनी है आपने अपने यहाँ पर जो सीटिंग करनी है वो सीटिंग यहाँ पर जिस हिसाब से आपका स्पेस है उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर सेटिंग कर सकते हैं टेबल लगा सकते हैं आप स्टेज के साथ में यहाँ पर भी टेबल लगाना चाहते हैं तो सिंगल टेबल लगाना चाहते हैं तो सिंगल और डबल लगाना चाहते हैं तो आप डबल टेबल भी यहाँ पर लगा सकते हैं ऐसे ही आपने जो टेबल लगानी है वो टेबल आपकी यहाँ पर भी लग जाएगी आपने चार व्यक्तियों के बैठने की सेटिंग बनानी है तो चार व्यक्तियों की बैठने की सेटिंग बनाएं जैसा स्पेस आपके पास होता है उसी हिसाब से आप अपनी सेटिंग बना सकते हैं ऐसे ही नॉर्थ वॉल पर आपकी अपनी टेबल लग जाएगी यहाँ पर भी आपके अपने बैठने की सेटिंग बन जाएगी जो आपका अपना नॉर्थ ईस्ट का भाग है नॉर्थ ईस्ट कोने में आपने कोई भी टेबल नहीं लगानी है ऐसे ही टेबल आप कितनी? यहाँ पर भी लग जाएंगी। यहाँ पर भी आपकी अपने टेबल लगेगी और यहाँ पर भी आपके अपने टेबल लग जाती है ऐसे ही जो आपका अपना ईस्ट का भाग है ईस्ट के भाग में भी यानी ईस्ट की जो वॉल है यहाँ पर आपका कंप्लीट ग्लास लगा हुआ है और यहाँ पर भी आपने जो टेबल लगानी है वो टेबल आप नॉर्थ और साउथ फेसिंग इस प्रकार से आप अपनी टेबल लगा सकते हैं इसमें भी आपने एक बात का ध्यान रखना है जो आपका अपना नॉर्थ ईस्ट का भाग है नॉर्थ ईस्ट के भाग में इस एरिए में आपने ना तो कोई टेबल लगानी है और ना ही कोई सामान रखना है इस बात का आपने खास तौर पर ध्यान रखना है इसी के साथ मैं आपको कुछ खास बातें और बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर कलर स्कीम कैसे रखनी चाहिए जो आपका अपना कंप्लीट रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के अंदर आप ऑफ वाइट कलर रखें और सीलिंग को कंप्लीट वाइट करें फर्नीचर का कलर कैसा होना चाहिए फर्नीचर आपके यहाँ ऑफ वाइट कलर का हो सकता है क्रीम कलर का हो सकता है लाइट ब्राउन कलर हो सकता है आपने अपने यहाँ पर जो चेयर्स रखनी है जो नॉर्थ वॉल है नॉर्थ वॉल पर आप स्काई ब्लू कलर की चेयर रखेंगे तो आपके यहाँ हमेशा ही पैसे आने के साधन बने रहेंगे ईस्ट वॉल के साथ आप ग्रीन कलर की चेयर रखते हैं तो मेरा अपना ये मानना है कि आपके यहाँ हमेशा ही जितने भी कस्टमर आएंगे वो सेटिस्फाई होकर जरूर जाएंगे और जितना एरिया आपका सेंटर का है सेंटर के एरिया में आप लाइट ब्राउन कलर और क्रीम कलर और वाइट कलर की चेयर रखेंगे तो आपका रेस्टोरेंट हमेशा ही बहुत बढ़िया रहेगा आपका अपना रेस्टोरेंट ना तो कभी नुकसान में जाएगा और हमेशा ही आपको प्रॉफिट देता रहेगा जो आपका अपना काउंटर बनता है काउंटर वाला एरिया आपका लाइट पीच कलर का होगा तो आपको हमेशा ही प्रॉफिट होता रहेगा आपके यहाँ लगातार पैसा आएगा इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा जो आपकी किचन है किचन का इस कॉर्नर से लेके स्टोर तक इस हिस्से में साउथ वॉल पर आप बेबी पिंक कलर कराते हैं तो हमेशा आपके यहाँ कस्टमर की भीड़ बनी रहेगी कस्टमर हमेशा आपके यहाँ आता रहेगा और हमेशा संतुष्ट होकर जाएगा क्या करने से साउथ वॉल पर पिंक कलर करने से जब कस्टमर आपके यहाँ आएगा और संतुष्ट होकर जाएगा तो ये मान के चलिए आपके यहाँ प्रॉफिट भी ज़रूर आएगा हमेशा कस्टमर आपको बढ़िया पैसा देकर जाएगा कभी भी आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं होगी और जो आपका अपना स्टोर है स्टोर में जितना सामान भर के रखेंगे हमेशा ही आपके यहाँ आपके अपने कस्टमर से संबंध अच्छे बने रहेंगे स्टोर के अंदर आपने ऑफ वाइट कलर करना है इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपका अपना वॉशिंग एरिया है जो क्रॉकरी की स्टोरेज है इस एरिया को आपने कम्प्लीट वाइट कराना है और ऐसे ही जो आपके अपनी टॉयलेट है और जो आपके अपने स्टेयर्स है इनको आप स्काई ब्लू कलर भी कर सकते हैं ग्रे कलर भी कर सकते हैं और वाइट कलर भी कर सकते हैं ऐसा करने से आपके यहाँ रिजल्ट हमेशा ही बेहतर मिलेंगे जो आपकी नॉर्थ वॉल है इसमें स्टेस वाली वॉल भी आ गई और इधर से नॉर्थ वॉल भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक आ जाती है इस वॉल को आप लाइट स्काई ब्लू कलर करेंगे तो आपके यहाँ पैसे आने के साधन हमेशा ही बने रहेंगे आप अपने यहाँ पर सिंगल कलर करना चाहते हैं तो आप पूरे रेस्टोरेंट के अंदर ऑफ व्हाइट कलर कर सकते हैं क्रीम कलर कर सकते हैं इसी के साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा आपने अपने यहाँ पर जो फ्लोरिंग करनी है फ्लोरिंग में जो टाइल्स का कलर है जो पत्थर का कलर है पत्थर का कलर तो वाइट आना चाहिए इटालियन लगाते हैं तो उसमें क्रीम स्टोन आनी चाहिए और टाइल लगाते हैं तो टाइल आपकी क्रीम कलर की या ऑफ वाइट कलर की होनी चाहिए जो आपका अपना वॉशिंग एरिया है वॉशिंग एरिया में आपके यहाँ टाइल वाइट कलर की लगनी चाहिए और जो आपकी अपनी किचन है किचन के एरिया में आपके यहां जो टाइल्स लगनी चाहिए वो रेडिश ब्राउन कलर की लगनी चाहिए आपने अपने यहां पर फ्लोर का स्लोप कैसे करना है मैं आपको बताना चाहूंगा साउथ वेस्ट कॉर्नर से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक ऐसे ही साउथ से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर और वेस्ट से भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर तक आपने अपने यहाँ फ्लोर का स्लोप करना है यानी पूरा का पूरा फ्लोर का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर आना ही चाहिए यदि आपको रिजल्ट बेहतर चाहिए तो ये काम आपको करना ही होगा यदि आपके यहाँ फर्श की ढलान फ्लोर का स्लोप नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट कॉर्नर की ओर है तो मेरा अपना ये मानना है कि आपका रेस्टोरेंट अच्छा नहीं चल सकता आपके यहाँ हमेशा ही बेवजह के झगड़े बने रहते हैं वो आपके अपने स्टाफ के साथ भी झगड़े बने रहते हैं और आपके यहाँ जो कस्टमर आते हैं उनके साथ भी बेवजह का झगड़ा बना रहता है यदि आपके यहाँ इस तरह की समस्याएं आ रही है तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप अपने यहाँ पर फर्श की ढलान फ्लोर का स्लोप साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की ओर जरूर करें मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से रेस्टोरेंट के बारे में मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश की है और उम्मीद करता हूं कि मेरी ये जानकारी आपको कहीं ना कहीं लाभ जरूर देगी क्योंकि मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की जानकारी आप लोगों को देता रहता हूँ और मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपको अपने अनुभव की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा देने की कोशिश करूं ताकि आप हमेशा खुशहाल रहे आप भी अपनी किसी साइट के प्रति वीडियो बनवाना चाहते हैं तो आप हमसे वीडियो भी बनवा सकते हैं हमारी वीडियो बनाने की जो चार्जेज है वो ग्यारह हज़ार है आप अपनी किसी भी साइट के मैप पर सलाह लेना चाहते हैं तो आप हमसे सलाह भी ले सकते हैं और आप अपनी किसी भी साइट का मैप बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे यहाँ से वास्तुशास्त्र के अनुसार मैप भी बनवा सकते हैं ये सभी सर्विस हमारी पेड रहेगी चार्जेबल रहेगी आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें हमारे पिताजी द्वारा लिखित प्रथम पुस्तक लक्ष्मी प्रवेश कैसे हो जिसमें उन्होंने वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपना अनुभव भी लिखा है और इस पुस्तक को प्रिंट कराकर उन्होंने समाज में बांटा और समाज ने इस पुस्तक को पढ़कर भरपूर लाभ भी उठाया है आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं जब से हमने अपने वीडियो में पुस्तक के बारे में जानकारी दी है कि आप हमारी यह पुस्तक मंगाना चाहते हैं तो हमारे पास भरपूर कॉल आ रही है और बहुत सारे लोग हमारी इस पुस्तक को मंगा रहे हैं आप भी हमारी यह पुस्तक मंगवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारी यह पुस्तक मंगवा सकते हैं इसी तरह अगले प्रोग्राम में फिर एक नए विषय पर चर्चा करेंगे तब तक के लिए नमस्कार